दोस्तों इंडिया में SUV का ट्रेंड काफी तगड़े से चल रहा है। बड़े बड़े ब्रांड अपनी SUVs को चलाने के लिए लगे हुए हैं। SUVs के नाम पे हमें अट्रैक्शन कंट्रोल और क्रेटा सेल्टॉस जैसी गाड़ियां देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों एक रियल SUV जिसका नाम है लैंड रोवर डिफेंडर, इसकी कॉस्ट है अप्रॉक्स 1.3 करोड़। डिफेंडर के भी ऊपर एक गाड़ी आती है जिसका नाम है लैंड क्रूजर, प्राइस है अप्रॉक्स 2.6 करोड़ रुपीज। मान लो मुझे लैंड रोवर डिफेंडर से एक ऊंची गाड़ी चाहिए, उससे महंगी गाड़ी चाहिए, और मुझे लैंड क्रूजर से थोड़ी सस्ती गाड़ी चाहिए। मार्केट में ज्यादा मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि SUV वाली फील कोई नहीं देगा। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेक्सस ने अपने GX को लॉन्च कर दिया है। लेक्सस जो है डिफेंडर से थोड़ी महंगी आएगी और लैंड क्रूजर से थोड़ी सस्ती आएगी। आप इनसे लेक्सस को कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अगर लेक्सस की अगर हम बात करते हैं तो लेक्सस जो है टोयोटा का एक सब ब्रांड है, लग्जरी कार्स वगैरह बनाता है, लग्जरी SUVs भी बनाता है। GX की अगर बात करते हैं तो आप LX को जानते ही होंगे, उससे एक सस्ती थोड़ी गाड़ी कह लो आप GX है। GX की बात करते हैं तो फ्रंट लुक इसका काफी स्ट्रेट लग रहा है और मुझे फॉर्च्यूनर जैसा लग रहा है, जैसे फॉर्च्यूनर का भी स्ट्रेट है। लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी लैंड क्रूजर जैसी, मल्टी ग्रिल देखने को मिलती है जो कि काफी सुंदर लगती है, काफी कूल सी लगती है। साइड से देखें अगर इसे एकदम ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड लगती है। इस एरोडायनामिक्स अगर इसकी देखें तो SUV वाला फील तो भाई करती ही है। वैसे यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे बहुत ही जल्द 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं और काफी मजे आने वाले हैं। अगर साइड लुक की बात करें तो काफी मैसिव लगती है। आपको 18 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं जो कि ब्लैक आउट है, काफी सुंदर लगते हैं। साथ ही साथ आपको ऑफ रोडिंग वाले टायर्स भी देखने को मिल जाते हैं एंड कायम था हम इस तगड़ा टाइप को ऑफ रोडर बनाने की कोशिश करेंगे। इस गाड़ी की अगर रियर लुक की बात करते हैं तो वो भी काफी स्ट्रेट है। कनेक्टेड टेल लैंप आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें आपको बीच में लेक्सस का लोगो देखने को मिलेगा। बगल में आपको GX 550 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 4.92 मीटर्स की आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी और 2.8 मीटर की आपको इसमें व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। गाड़ी की अगर इंजन ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें आपको 3.4 लीटर का ट्विन टर्बो V6 इंजन देखने को मिलेगा जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 350 bhp की। अब बात कर ली जाए थोड़ी बहुत इंटीरियर की। इस गाड़ी का इंटीरियर लैंड क्रूजर से बहुत ही मस्त है। मैं आपको 14 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी सही लगती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको टच स्क्रीन वाला ही देखने को मिलेगा जिसमें टच नहीं होगा, मतलब स्क्रीन मिलेगी, LED स्क्रीन वगैरह मिलेंगी। स्टेयरिंग पे भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। सेंट्रल कंसोल की बात करें जिसमें आपको 10 स्पीड का गेयर बॉक्स देखने को मिलता है और काफ़ी सारे मॉड्स इसमें भी दिए गए हैं। इसमें आपको सेकंड रो और थर्ड रो सीट्स भी देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं और गाड़ी का व्हील बेस 2.8 मीटर्स का है तो पीछे की सीट्स भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलेंगी। फुट की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट देखने को मिलता है जो कि थार जैसा है। गाड़ी को थार से भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आप पहले थार का ग्लास ऊपर करते हो फिर आप पीछे का गेट खोलते हो, उसी तरह इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अगर प्राइस की बात करें तो 1.6 करोड़ और 1.8 करोड़ रुपीज़ की आपको पड़ सकती है ये इंडिया में। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना कि डिफेंडर अच्छी है या फिर लैंड रोवर GX। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।